hello everyone welcome to ganbod academy i'm Madhuleka. today we have an article from uh, the hindu today is your 21st december and it is talking about the elections the 2024 elections that is going to take place in america in us so um, what is this article all about i'll be giving you the brief introduction regarding the same and apart from that we will also be taking up vocabulary and meaning which will be important for all these uh, aspects so the headline reads debarring donald the us seems set for a bitter polarization in an election here so what is the meaning of debarring so basically it means from preventing or disqualifying someone preventing or disqualifying someone फॉर एग्जाम्पल यह डोनाल्ड ट्रंप इज बिंग डिसक्वालीफाइड और ही इज बिंग प्रीवेंटेड टू कंटेक्स इलेक्शन इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यू एस उस स्टेट का नाम क्या है कोलोराडो स्टेट ठीक है तो क्यों क्योंकि -क्यों उन पर एक एलिगेशन लगा था कि वो मास्क को मास्क को पब्लिक को जनता को इंस्टिगेट किए थे भड़काए थे इनकरेज किए थे कि वो एक अटैक कर पाए यूएस के जिसे हमारे इंडिया में कहते हैं ना कि वी हैव दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो हाउस होता है जहाँ पे सारे आपके पॉलिटिशियंस या होते हैं पार्लियामेंट के लोग यू में होता है कैपिटल जो आपका वॉशिंगटन में तो वो इंस्टिगेट किए थे कौन डोनाल्ड ट्रंप इंस्टिगेट किए थे ताकि प्रोटेस्टर्स या जो जनता है यहाँ जाके इस जगह में अटैक करे जहाँ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ऐसा आरोप उन पर लगा हुआ था इसीलिए इस बार उनको 2024 के इलेक्शंस में मना कर दिया गया इस में, स्टेट में कोलोराडो स्टेट ऑफ यूएस में कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट करें हालांकि ये ईयर अदरवाइज़ नहीं तो उनके लिए हो सकता था कि वो इलेक्शन जी जाते अगर इस स्टेट में भी उनको कंटेस्ट करने दिया जाता या आ, इलेक्शन इस स्टेट में उनके लिए हेल्ड होता तो सो दिस इज द मेन टॉपिक वाई वाई क्यों क्यों उनका नहीं इलेक्शंस में इस बार का ये करने दिया जा रहा है स्टेट में उन पर क्या आरोप लगा था क्या एलिगेशन लगा हुआ था ये सब था तो लेटस रीड एंड जम्प इन टू द आर्टिकल डिस्कशन टॉकिंग डी बैरिंग डोनाल्ड मतलब डिसक्वालीफाइंग हिम हु इज डिस्कालीफाइंग कोलोराडो स्टेट इज डिसक्वालीफाइंग टिंग हिम टू पार्टिसिपेट इन द और कंटेस्ट इलेक्शन इन द स्टेट ऑफ यूएस एस कौन सा स्टेट कोलोराडो स्टेट में ठीक है तो वही है द यूएस सीम्स सेट फॉर बिटर पोलराइजेशन इन एन इलेक्शन ईयर इलेक्शन ईयर मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में इलेक्शन होने वाला है यूएस उस में उसमें क्या है बिटा पोलराइजेशन दिख रहा है वॉट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन सो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स अगर पोलिटिकल टर्म्स में या इस कंटेक्स में देखें तो पोलराइजेशन क्या होता है डिफरेंस इन ओपिनियन या आपका हो गया डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस इन पीपल्स ओपिनियन एंड ऑल ऑफ दैट इस रेफर एज पोलराइजेशन जैसे पॉलिटिक्स में होता है एक अलग ग्रुप है जैसे बीजेपी हुआ वो फॉलो करती है अपना कहीं ना कहीं वो हिंदुजम को प्रमोट करती है या कांग्रेस हम ले लिए तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम्स को फेवर करते हैं तो दैट इज़ काइंड ऑफ पोलराइजेशन तो एक टाइप का बिटर पोलराइजेशन दिखता है यूएस के इलेक्शंस में जो में, 2024 में है, सो रीड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ यूएस स्टेट द ऑफिस अगेन इन ट्वेंटी ट्वेंटी इलेक्शन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज रिलेटिंग टू एंगेजिंग इन इन और रेबेलियन

किसका सुप्रीम कोर्ट यूएस स्टेट का कोलोराडो स्टेट जो यूएस में है उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके जो पहले फॉर्मर मतलब प्रीवियस जो हम लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते 2024 के इलेक्शन यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते कहाँ इस कोलोराडो स्टेट में ऑन द ग्राउंड्स वाई वाई ऑन द ग्राउंड दैट ही वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके क्या किए एगेगिंग इन इन सरेक्शन और रेबेलियन एगेगिंग का मतलब क्या होता है किसी को इनक्रेज uh, करना या भड़काना जैसे उन्होंने किया भड़काया या लोगों में उत, uh, लोगों को भड़काया इक्रेज uh, किया कि वो रिबेलियन रिबेलियन इन सरेक्शन क्या होता है आंदोलन करे या अटैक करे ठीक है किसी भी तरीके से अटैक करे आंदोलन करे uh, इस ऐसा उन्होंने लोगों को भड़काया तो कोर्ट का जब इस पर बैठक हुआ कि सच में ऐसा कुछ हुआ था या फिर उन पे पर बेकार का आरोप लगा था तो कोर्ट के बैठक में ऐसा मालूम चला गया फोर बाय थ्री स्प्रिट डिसीजन मतलब कि अगर चार जजेस हैं तो उसमें से तीन जजेस ने ये क्लेम किया ये साबित किया ये कहा कि मिस्टर ट्रम्प वाज नॉट एलिजिबल टू बी इलेक्टेड ऑन द इलेक्शन बैलेट नेक्स्ट ईयर इन कोलोराडो फॉर द रोल दैट ही प्लेड इन एगेगिंग ऑन प्रोटेस्टर्स ऑन जनवरी ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब कोर्ट का कहना है उसमें से तीन में से चार जजेस ने कहा कि हाँ ये आरोप उनमें सच है इसीलिए उनको एलिजिबिलिटी नहीं मिलता है या फिर उनको डिसक्वालीफाई किया जाता है कि वो इलेक्शन बैलेट में नेक्स्ट ईयर वो खड़े हो सके इलेक्शंस में इससे उनको डिसक्वालीफाई किया जाता है डिसक्वालीफाई के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यहाँ पे देखें डी बैरिंग तो उनको डिसक्वालीफाई किया जाता है कोर्ट का ये आरोप है उन पर कहाँ पर स्पेशली इन कोलोराडो स्टेट ऑफ यू एस ए फेगिंग एगेगिंग ऑन प्रोटेस्टर्स ऑन जनवरी सिक्स ट्वेंटी 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 वन तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने लोगों को भड़काया रेवलियन उनको भड़काया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कि वो किस लिए भड़काए उनका मेन टारगेट क्या था तो बेसिकली देखा जाए कि जैसे ही वो लोगों को बढ़ गए उसका प्रोटेस्टर्स का रिजल्ट वैसे ही देखने लगा भड़काव का रिजल्ट देखने लगा कि जनवरी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन में वो जो जिस लोगों को भड़काए थे उन्होंने अटैक कर दिया कहाँ अटैक कर दिया द बिल्डिंग ऑफ यू एस कैपिटन विच इज़ इन वॉशिंगटन जैसे इंडिया का है पार्लियामेंट वाले मेम्बर्स कहाँ रहते हैं हमारे इंडियन हाउस हाउस में रहते हैं यानी पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं इसमें क्या बोलते हैं यू एस कैपिटॉल जो आपका वॉशिंगटन में वहाँ पर वो लोग प्रोटेस्टर्स जाके अटैक कर देते हैं द रूलिंग सेट्स अस्टोरिकल प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट फॉर द यूज ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ द कंट्रीज फोर्टींथ अमेंडमेंट टू स्ट्राइक अ प्रेसिडेंशल कैंडिडेट ऑफ द बैलट इन दिस केस द मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट बाई अ सिग्निफिकेंट मार्जिन एंड सी एज हाईली लाइक टू विन द इलेक्शंस एंडर द सेक्शन द इंसरेक्शन क्लॉज एनी पर्सन इंगेजिंग इन इंसरेक्शन और रिबिलियन अगेंस्ट द यू एस कॉन्स्टिट्यूशनल शेड नॉट बी परमिटेड टू रन फॉर ऑफिस पब्लिक ऑफिस इंक्लूडिंग कांग्रेस द मिलिट्री, द फेडरल एंड स्टेट ऑफिस तो इसमें बोला जा रहा है कि आफ्टर दिस इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट हुआ हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ उसके अला उसमें इसके बाद सेक्शन थ्री आपका आर्टिकल फोर्टीन में संशोधन हुआ एमेंडमेंट हुआ कुछ स्ट्राइक अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ द वैलेट इन द केस ऑफ मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट बाई सिग्निफिकेंट मार्जिन तो ऐसा उनमें प्रावधान बनाया गया अमेंडमेंट किया गया फोर्टीन अमेंडमेंट जिसके इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा गया कि अगर कोई ऐसा भड़कावा करता है कोई हमारे मिनिस्टर अमेरिकन मिनिस्टर या गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट है वो कुछ ऐसा भड़कावा वाले केस में फंसते हैं Who is engaging in insurrection or rebellion against the U.S. Constitution shall not be permitted for running, um shall not be permitted to stand for elections. Elections से उनको disqualify किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस के ही member हो, कोई party member हो, कोई military के person हो, कोई federal या state officer हो, ठीक है, ऐसे कोई भी perform करता है, तो इस article के अंदर, fourteenth amendment के सेक्शन थ्री में ऐसा लिख दिया गया है कि ऐसा कोई भड़काता है प्रोटेस्टर को किसी को किसी कम्युनिटी को भड़काते हैं ताकि देश में प्रोटेस्ट हो सके इलेक्शन जीत पाए तो ऐसे पर्सन को कंटेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा इलेक्शन चाहे वो कोई भी पर्सन हो नेक्स्ट The Fourteenth Amendment, which was ratified in 1868, was established in a part of disallow former Confederates from entering Congress and grabbing power from a government that they had previously fought. <coughs> it is ironic that a similar post civil war logic might apply to the Trump now for his role in seeking to block the peaceful transfer of power to presidential incumbent joe biden on unproven allegations unproven allegations of election fraud linked to ballot voting the colorado running overturned an earlier distinct court verdict that declined to block mr trump from contesting on the grounds that it was unclear whether the 14th amendment covered the प्रेसिडेंसी तो so, इसमें क्या बोला जा रहा है आपका बेसिकली तो ये जो आपका फोर्टीन अमेंडमेंट है उसको रेक्टिफाई किया गया था एटीन सिक्सटी एट में तो इसमें क्या बताया गया था इट अस्टैब्लिश पार्ट टू डिसअलाउ फॉर्मन कॉन्फेडरेट फ्राम एंटरिंग कांग्रेस एंड ग्रैबिंग पावर फॉर अ गवर्मेंट दैट दे हैड प्रिवियसली फॉट तो ऐसे कोई भी प्रीवियस गवर्नमेंट है जो ऐसा कर कर हरकत करते हैं जो पावर में है भी फॉर एग्जाम्पल अभी तो डोनाल्ड ट्रंप पावर में नहीं है लेकिन अगर मान लीजिए जो बाइडन की जो कि अभी पावर में या प्रेसिडेंट आपका यू एस के वो भी अगर ऐसा हरकत करते हैं कैसे किसी ग्रुप को भड़कते हैं किसी कम्युनिटी को भड़काते हैं किसी के खिलाफ तो उन लोगों को इलेक्शन uh, में स्टैंड करने नहीं दिया जाएगा उन लोगों को डिसकॉलीफाई किया जा सकता है अंडर द लॉ इट इज़ आयरनिक दैट अ सिमिलर पोस्ट वॉर लॉजिक माइट अप्लाई टू मिस ट्रंप नाव फॉर इज रोल्ड इन इलेक्शन फ्रॉड लिंक टू बैलेट वोटिंग सॉरी सॉरी फॉर फॉ रोल इन सीकिंग टू ब्लॉक द पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू प्रेसिडेंशल इन कम्बेड जो बाइडन ऑन अन ट्रूविन एलिगेशन्स ऑफ इलेक्शन फ्रॉड लिंक् टू बैलेट वोटिंग तो इसमें क्या लिखा है इसमें बेसिक की बात ये लिखा है कि आयरानिकल था कि कैसे आप लोगों को पता होगा कि जब जो बाइडन जीते थे इलेक्शंस में और प्रेसिडेंट बने अमेरिका के और उससे पहले कौन थे ट्रंप थे तो ट्रंप अपना पोस्ट को छोड़ ही नहीं रहे थे वो स्टबन हो के बैठ गए थे कि नहीं कुछ आ, हम आ, जो बाइडेन कुछ फ्रॉड इलेक्शन मेजर्स यूज़ किए होंगे जिसकी वजह से वोटिंग जीते हैं वो अपना पोस्ट को छोड़ी नहीं रहे थे इतना स्टबन और एकदम एबसर्ड उनका बिहेवियर था तो ये भी उनमें एक डिफॉल्ट था जो पॉइंट आउट किया गया उसके अलावा द कोलोराडो रूलिंग ओवर एन अर्लियर डिस्ट्रिक कोल्ड वर्डिक क्लाइंट टू ब्लॉक ट्रंप फ्रॉमस्टिंग ऑन द ग्राउंड इट whether the द Amendment covered the presidency. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पहले भी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोलोराडो के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये बात उठा था कि मिस्टर ट्रंप को कंटेस्ट uh, नहीं करने दिया जाए इलेक्शंस क्योंकि वो अनक्लियर थे वेद द फोर्टींथ अमेंडमेंट Uh, में ऐसा कुछ बात लिखा है कि नहीं वो इस, उनको इस बात का अवेयरनेस भी नहीं था नेक्स्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनिटेबल अपील एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर हिज इन एबिलिटी टू कम्पलीट इन कोलोराडो विल इम्पेयर इज ओवरऑल प्रोस्पेक्ट नेक्स्ट ईयर दिस रूलिंग मार्क्स द बिटरनेस पोलराइजेशन ऑफ यू एस इलेक्टोरेट्स अराउंड द कॉन्ट्रोवर्सियल पॉलिसी स्टैंड दैट मिस्टर टर्म रिप्रेजेंट्स तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि क्योंकि कोलोराडो में वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते तो इस अगले साल का जो इलेक्शन होगा उनके लिए पूरा डिसाइड करेगा क्या सही था क्या नहीं या उनके उनका सक्सेस उनका फेलियर डिसाइड करेगा और एक तरह का एक बिटर पोलराइजेशन देखा जा सकता है यू एस के बीच या फिर पार्टी लीडर्स के बीच फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहते हैं ना पोलराइजेशन क्या होता है डिफरेंस इन ओपिनियन या कैसे एक बेसिस के जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी कहते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो बीजेपी को वोट करिए कांग्रेस का कहना है कि अगर आप मुस्लिम है तो कांग्रेस को वोट कीजिए तो इस तरह का बिटापोलराइजेशन यू यूएस के नेक्स्ट साल के इलेक्शन में देखा जा सकता है क्यों क्योंकि ऑन द बेसिस दैट ये जो कॉन्ट्रोवर्सियल उनके पर आरोप लगा है ट्रम्प पे इसके वजह से देखा जा सकता है आरोप क्या है कंट्रोवर्सी क्या, क्या है वो तभी हम लोग डिस्कस किए ऑन दी अदर हैंड इट इज़ वेरी रिजेक्शन ऑफ पोलिटिकल प्रॉपर्टीज दैट हैज़ लेड टू द डेमोक्रेसी थ्रटर्निंग सिचुएशन ऑफ अ प्रेसिडेंट हु कैन हु केम क्लोज टू रिफ्यूजिंग द डेमिट ऑफिस आफ्टर अ इलेक्शन लॉस तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आ, वो अपना पोस्ट नहीं छोड़ रहे थे क्यों क्योंकि जो बाइडन अगले साल के जो इलेक्शन में जीत गए थे तो अपना ऑफिस नहीं छोड़ रहे थे अपना इलेक्शन लॉस के बाद भी तो ये डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा थ्रेट है कोई ऐसा यूजलेस आदमी नहीं होगा जैसा हरकत करेगा ये बोलेगा कि नहीं नहीं इलेक्शंस में हम नहीं हारे हैं यानी इनका मानना था कि ये कैसे हार गए ये हार ही नहीं सकते जो बाइडन जो जीते हैं उनका क्या है इलेक्शन फ्रॉड किए हैं जिसकी वजह से वो जीते हैं ही रिफ्यूज टू गिव अपन हिज ऑफिस इलेक्शन आफ्टर लूजिंग हिज इलेक्शन पोस्ट वेन कंबाइंड विद हेटफुल पार्टीशन डेमाग्रॉ ऑफ प्रिवियस ट्रंप कैंपेंस दिस कैलकुलेटिव स्टर्बरनेस रिप्रेजेंट द पोलिटिकल आउटलुट ऑफ मागा रिपब्लिकन्स वर्ल्ड व्यू दैट इट हैज़ लिटल इंड कॉमन विद्यूज दैट मीन्स टिफ कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स होल्ड जिसमें बोला जा रहा है कि ऐसा हेटफुल ऐसा uh, स्टर्बरनेस जो ट्रंप में देखा जाए कि हम लोग ऑफिस नहीं छोड़ेंगे कैसे हार गए इलेक्शन में जो बाइडन कैसे ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमारे पॉलिटिकल आउटलुक यानी उनके पॉलिटिकल आउटलुक ये या वर्ल्ड वाइड व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इल मैनर्ड ये बहुत अजीब सा बिहेवियर था जो कि जो मेन लोग हैं कन्जर्वेटिव या लिबरल्स या जो ओपन माइंडेड पीपल है उनके लिए बहुत शॉकिंग भी था कि कैसा हिरकत हुआ दिस बोथ इल

तो ये दिखाते जा रहा है कि लीडर्स कैसे ये सब सिनेरियो देखने के बाद वो लोग एक ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं ही कैन दे कैन रीच आउट टू द ब्रिजेस ऑफ बाय पार्टीशन कॉपोरेशन एंड इन शॉर्ट सप्लाई इन मीन्स एट दिस जंक्शन ओनली दिस इज पॉसिबल बिकॉज देर इज थ्रेड टू डेमोक्रेसी जहाँ उनका बिहेवियर है जो भी हुआ उनके पे एलिगेशन लगाया गया एंड दैट इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग विद द Uh, people and the election process that is being there in America. So that's all for today. Thank you and have a wonderful day ahead.